नमस्कार, मैं रितिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल में। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारा गर्व है। तो इसे बोलने के लिए हम एक तारीख रखें कि हम आज के दिन सिर्फ हिंदी में बात करेंगे, बाकी हर दिन हम अंग्रेजी या फिर कोई भी भाषा जिसको हम जानते हैं उसमें बात करेंगे। बात भाषा में बात करने की नहीं है, बात उसके महत्व की है। जब हम हिंदुस्तानी अपनी भाषा को बोलने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं और हम दूसरे भाषाओं का उपयोग करने लगते हैं, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। हम अपने आप को पढ़े लिखे कहलाने के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अंग्रेजी बोलना गलत है या अंग्रेजी भाषा को हीन भावना से देखें, लेकिन हाँ, अंग्रेजी की जगह हिंदी का भी उतना ही महत्व है। क्यों हम हिचकिचाते हैं? जब हम कहीं चार लोगों के बीच में बैठते हैं तो हम सबसे पहले हाय हेलो करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखा, मैंने भी उस शब्द इस्तेमाल किया, इंट्रोड्यूस। हम अपने भाषा में क्यों नहीं अपने आप को बताते हैं कि हम क्या हैं? हिंदी बोलने के लिए क्या सिर्फ 14 सितंबर का ही इंतज़ार करना होगा कि आज के दिन अगर मैंने हिंदी बोला तो इसका मतलब कि मैं हिंदी दिवस मना रही हूँ, लेकिन बाकी दिन अगर मैंने हिंदी बोला तो कहीं ना कहीं मेरी इज्जत घटने लगेगी समाज में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे में हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा रही है। हिंदी में बात करना इतना आसान नहीं है, हिंदी बिल्कुल भी आसान भाषा नहीं है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जब हम हिंदी में एक एक शब्द उठाते हैं बोलने के लिए, तब हमें पता चलता है कि रोज़ तो हम बहुत ही आसानी से ये बातें बोल जाते हैं, लेकिन जब हमें पूरी तरीके से इसे हिंदी में बात करनी होती है तो ये कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ना पूरी तरीके से अंग्रेज़ी बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं, हम सबको मिला जुला करके बात कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से इस बातों को बोल जाते हैं। लेकिन क्या पूर्ण रूप से हिंदी बोलना आसान है? मुझे खुद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद हिंदी जब बहुत ही आराम से बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है विद्यालयों में हिंदी में बात करना या हिंदी के बारे में बताना, आज के दिन 14 तारीख को अलग अलग कार्यक्रम रखे जाते हैं, वाद विवाद की प्रतियोगिता रखी जाती है, समूह नृत्य, समूह गान और भी बहुत सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं ताकि सारे बच्चे हिंदी का महत्व समझ सकें। अच्छी कहा है किसी ने, हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। जी हाँ, जब हम अपने दिल की बात या अपने मन की बात किसी से करते हैं और अगर हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं तो बहुत ही आसानी से हम उस तक पहुंचा पाते हैं जिस तरीके का हम सोच रहे होते हैं। हिंदी में बात करना या हिंदी में अपने आप को प्रस्तुत करना मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म की बात है या फिर कहीं झिझक की बात है। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी में बात करते हैं। कोई और देश या कोई और जगह क्यों नहीं हमारी भाषा को बहुत ही आसानी से बोलना पसंद करता है, वो अपनी भाषा में बात करता है जब भी वो मिलता है, तो हम हिंदुस्तानी हिंदी में बात करने से क्यों पीछे हटते हैं? इस बारे में भी सोचिएगा ज़रूर और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, सब अपना ख्याल रखना। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।